आवाज। मैं इमरान खान की सपोर्ट में हूँ और मैं तब तक सिर की दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग भी मिलकर दुआ करें इमरान खान साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। रात से जो है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और इस वजह से कि इमरान खान की गिरफ़्तारी की वजह से कि सब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी होने वाली है तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और मैं अभी जो है लाहौर में जलसे हो रहे हैं, लाहौर में जलसे हैं तो अगर यहाँ पर जलसा होता तो मैं तो लाजमी इस जलसे में शामिल होती क्योंकि इमरान खान आई लव इमरान खान, मुझे इमरान खान से बहुत प्यार है क्योंकि इमरान खान एक सच्चा इंसान है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ है, चोरों को तकलीफ़ है, ठीक है, चोरों को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उसके घर तक पुलिस पहुंचा रही है। तो लोगों में भी इतनी हिम्मत अगर होगी, अगर इसके साथ खड़े होने वाले होंगे तो इंशाल्लाह लाजमी खड़े होंगे क्योंकि जितनी जितना कुछ उसने किया है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसके पास दौलत बहुत है, उसके उसका घर है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी इस आवाम के लिए लड़ रहा है। जो आवाम है जिस आवाम को इस टाइम पे गरीबों का पेट काट रहे हैं, गरीबों के लिए इतनी परेशानियां कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी आवाम अगर आज भी नहीं खड़ी होगी इसके लिए तो फिर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है इमरान खान को। इमरान खान के लिए एक लेडीज़ ने ये बयान दिया कि आप अपने घर में जा कर बैठे हैं, आप इस आवाम के लिए बैठ जाके जो आवाम आपका साथ नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है, आवाम आपका साथ देना चाहती है तो रात से रोडों पे खड़ी है। चोरों को क्यों नहीं पकड़ते, मरियम को क्यों नहीं पकड़ते, सर्जरी वाली मरियम को, चोरों को कोई भी नहीं पकड़ता। और वैसे भी ना जो इंसान इंसाफ पे चलने वाला होता है और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला होता है ना वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, असल में बात यह है। तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन इमरान खान का सपोर्टर है और कौन कौन चाहता है कि इमरान खान को इंसाफ मिले। मैं तो यही चाहती हूँ कि इमरान खान को इंसाफ मिले। और जहाँ तक ये बात है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है इमरान खान साहब, लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लें। कराची क्या, लाहौर क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, सब आपके साथ हैं क्योंकि आप हक पे चल रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जिस इंसान के लिए इतनी दुनिया खड़ी हो चुकी है तो लाजमी बात है उसमें कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई बात तो उसमें हो सकती है कि उसके लिए पाकिस्तान पूरा खड़ा है, ठीक है। और मैं बस एक ही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग भी मिलकर दुआ करें इमरान खान साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और चोरों से बचा के रखे और जो जो उसके लिए साजिशें लोगों ने की हैं उन साजिशों से उनको बचा के रखे। क्योंकि अल्लाह पाक वो जब भी कोई बात करता है वो ऐसा शख्स है कि जब भी वो बात करते हैं तो उसके मुँह से सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह का नारा होता है, तो पहले वो कलमा पढ़ते हैं फिर वो बात करते हैं। तो लाजमी बात है कि जो इंसान पहले कलमा पढ़ता है और फिर बात करता है तो उसके अंदर कितना एहतराम हो सकता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम सब, उन्होंने भी ये कहा कि आप सब उनकी उम्मत है और मैं भी यही कोशिश करना चाहता हूँ कि उनकी उम्मत के ऊपर कोई मुश्किल ना आए। और आज के दौर में उनकी उम्मत पर बहुत मुश्किलें हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मैं इमरान खान की सपोर्ट में हूँ और मैं तब तक इमरान खान की सपोर्ट करती रहूँगी जब तक कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे लिए इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है कि सारी मुश्किलें वो हमारे लिए काट रहा है। हम भी अपने घर में सुकूनों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसे भी सुकून से ज़िंदगी गुजारने का हक है, लेकिन वो हमारे लिए खड़ा है। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही है कि इमरान खान जिंदाबाद।